वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने बेसन के दानेदार स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। इसके लिए मैंने बेसन लिया है, दानेदार बेसन। इस बेसन को मैंने खुदी चने की दाल से रेडी किया है। 2 कटोरी बेसन लिया है, 1 कटोरी बूरा लिया है दानेदार, और 1 कटोरी घी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने। इसको बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन गैस पे चढ़ा दिया है, उसमें 1/2 कटोरी घी डाल देंगे, 1/2 कटोरी बाद में डाल देंगे, भुनने के समय डालेंगे। इसमें वो बेसन डाल देंगे जो मैंने 2 कटोरी लिया है, और स्लो गैस पर धीरे धीरे हम ये बेसन भूनेंगे, चारों तरफ से चलाते रहेंगे ताकि सारा बेसन एक जैसा भुने। धीरे धीरे भुनेंगे तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया बेसन भुन के तैयार होगा। ये देखिए, सब एक जैसा बेसन भुन रहा है। अब देखिए थोड़ा भुन चुका है, तो मैं इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी जो मैंने काट कर रखे थे, क्योंकि मैंने रोस्ट नहीं किए हैं। इसी में डाल दूँगी, अभी बेसन और भुनेगा काफ़ी देर, तो थोड़ा इसी में डाल देंगे तो रोस्ट हो जाएंगे ड्राई फ्रूट्स। बहुत अच्छी तरह से बेसन और ड्राई फ्रूट्स दोनों चीज़ें भुन रही हैं। सिम आँच पे ही, सिम आँच ही रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे, तो क्योंकि जल जाएगा बेसन तो स्वाद ख़राब हो जाएगा। घर में बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, बेसन की बहुत अच्छी खुशबू फैली हुई है। अभी थोड़ी देर और बेसन भूनेंगे चारों तरफ से चलाते हुए। देखिए कितना अच्छा बेसन हो रहा है, सब तरफ से बेसन इक्वल भुन रहा है। थोड़ा सा भी कच्चापन नहीं होना चाहिए, नहीं तो इतना मेहनत सब बेकार चली जाएगी। इसलिए बहुत अच्छी तरह से बेसन को भून लेंगे हम। बेसन पूरी तरह से भुन चुका है, अब मैं गैस बंद कर दूंगी। देखिए इसके बेसन का कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है, और घी भी थोड़ा छोड़ रहा है। अब मैंने 8 से 10 इलायची ली थी, उन इलायचियों को मैंने कूट लिया था दरदरा, अब वो इलायची भी इसमें मिक्स करेंगे हम। थोड़ा चलाते भी रहेंगे ताकि वो तली में जो गर्म होगी तली, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी और कहीं नीचे लग ना जाए, इसलिए मैं चलाती भी रहूँगी। अब ये ठंडा हो चुका है, अब इसमें 1 कटोरी पूरा मिक्स करेंगे। अब अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे ताकि बूरा और बेसन एक जैसा बिल्कुल हो जाए, और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। ये देखिए, देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हैं, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं, वैसे ही खाने में भी बहुत टेस्टी हैं ये। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।